हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू रास्ता टू एक्सप्लोर। आज बड़े 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 दिनों बाद मेरे पास आ रखी है थार, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं थार चलाना। बिकॉज लोग कहते हैं नहीं, तुम्हारी दूसरी है, तुम वो चलाओ, थार मेरी है, मैं चलाऊंगी। बट आज मैंने चाबी जो है थार की चोरी कर ली सुबह सुबह, और मैं निकल आया हूँ ऑन द सैटरडे मॉर्निंग टू हैव दिस लवली कॉफी एट ब्लू टोकाई। तो बड़ा अच्छा सा फील आ रहा है आज, बिकॉज बड़े दिनों बाद ही गाड़ी चला रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी फील आती है उसको चलाने से। तो एनीवेज, अभी चलते हैं ब्लू टोकाई एंड वहाँ से उठाते हैं कॉफी एंड फिर आपसे बात करते हैं। आ गए जी ब्लू टोकाई, और यहाँ पे लेते हैं थोड़ी कॉफी, सुबह सुबह जगते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं बहुत सारी। पता चला है कि 5 डोर थार आने वाली है, लॉन्च होगी आई थिंक ये फरवरी में। तो बड़ा दुख सा हो रहा है कि अभी हमने गाड़ी ली जिसमें 3 ही डोर है, एक ये डोर है, एक ये डोर है और एक डिक्की वाली डोर है, पीछे डोर सी नहीं है ना। लेकिन जब 5 डोर थार आएगी तो उसमें प्रॉपर 5 डोर्स होंगे जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होते हैं। तो उसमें क्या होगा, फैमिलीज बैठ सकती हैं एंड थोड़ी वो बड़ी होगी, ज़्यादा फीचर्स होंगे। तो क्या इसको एक्सचेंज करके वो लिया जा सकता है, ये मैं सोच रहा हूँ। लेकिन फिर इतने सारे पैसे कौन खर्च करेगा, है ना। तो अच्छा भी लग रहा है और लग रहा है कि क्यों ले ली पहले, थोड़ा रुक जाते, तो वो सारी फील आ रही है अभी। बट ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अभी 4 महीने आने में इसको, देखते हैं कैसी लगती है न्यू थार 5 डोर। और ना ये अभी आप जो रोड देखा ना सामने, यहाँ पे स्पीड है 50 की, उसके ऊपर आप जाते हो तो इतने कैमरास लगे हुए हैं कि चलान 100% आ जाता है। अभी क्या हुआ, कल की बात है, कल मुझे मैसेज आया फ्रॉम यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कि आपका चलान है ओवर स्पीडिंग का ऑन दैट लखनऊ एक्सप्रेस वे, जब मैं भी गया था 4 दिन पहले। तो मुझे पता था कि थोड़ा स्पीड बढ़ गया था, कहीं ना कहीं कैमराज लगे हुए थे, बट वो कंट्रोल नहीं हुआ। तो चलान आना था तो चलान आया कल, तो कल मैंने वो पे करा। बट देन ये लोग जो कैमराज होते हैं ना, एक्चुअल में काम करते हैं, एंड पैसा देना पड़ेगा भाई अगर तेज़ आप चलाओगे, बिकॉज सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी। ठीक है, मैंने थोड़ी तेज़ चलाई, बट देन कुछ चीज़ें हम टेस्ट कर रहे थे उस गाड़ी पे एंड वो कैमराज लगे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया कि कैमराज लगे हैं। एंड वो स्पीड आई थिंक 140 प्लस चल रही थी, जबकि आई थिंक 120 किलोमीटर थी उस पे। तो वो चलान आया, वो पे करा। लेकिन आई वुड अर्ज पीपल कि यू ड्राइव सेफ, ड्राइव स्लो, बिकॉज सेफ्टी में ही बेटरमेंट है। बिकॉज आप फास्ट चलोगे तो फिर दिक्कत है, तो ऑलवेज ड्राइव सेफ, दैट इज व्हाट आई फील। और जी ये वही रोड है, अगर आप सामने देखो ना, ये ऊपर सब कैमरेज लगे हुए हैं, एंड स्पीड अगर आपकी 50 से ऊपर जाती है तो एकदम से चलान आ जाता है। रोड्स इतने अच्छे बने हुए हैं, बट मजबूरी है कि वी कांट ड्राइव फास्ट बिकॉज रूल्स ऐसे हैं। तो इतने अच्छे रोड्स बनाने का फायदा ही क्या, और गाड़ियाँ भी ऐसी है ना कि 50 की स्पीड में आई थिंक 4th गियर लगता होगा, आई डोंट नो अबाउट ऑटोमेटिक, इसका समझ नहीं आता है कौन सा गियर है, लेकिन 50 में क्या मज़ा आता है। बट देन रूल्स हैं, फॉलो करने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं। ये है ग्लोबल फॉयर, यहाँ पे है मैनहैटन बार और मर्सिडीज का शोरूम है यहाँ पे। तो शाम को ना काफ़ी यहाँ पे अच्छा क्राउड हो जाता है एंड काफ़ी पार्टीज होती हैं यहाँ पे। मैं तो कभी आया नहीं हूँ, सुनना है बस मैंने कुछ लोगों से। अभी मेरा फ्रेंड गिरीश गया था 2 दिन पहले मैनहैटन, तो कह रहा था कि काफ़ी अच्छी जगह है एंड इंग्लिश गाने बजते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रात को आफ्टर 12 सब हिंदी हो जाता है, सब बॉलीवुड एंड पंजाबी हो जाता है एंड बहुत मज़ा आता है। कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे किसी के साथ, देखते हैं।
तो जी वक्त आ चुका है आज के ज्ञान के बारे में जो मैं आपको आज दूंगा रास्ता टू एक्सप्लोर के माध्यम से। तो ज्ञान चालू करते हुए इंसान जो है ना वो दुनिया में हर काम करता है लेकिन एक चीज बहुत कम करता है, थैंक्स बहुत कम बोलता है जिंदगी में। उसको जो मिला हुआ है, जो उसको भगवान ने दिया हुआ है, वो टेक इन फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि भाई ये तो मेरा हक है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये उसकी किस्मत है एंड जो लिखा है वही मिलता है एंड ही शुड थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर ही हैज। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो मैंने कमाया है, मैंने करा है, मैं करके ना ये बकरी बन जाते हैं मैं करते करते, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है कि ये जो सृष्टि है ना, ये जो चलाने वाला है असलियत में वही कर रहा है। तो ऑलवेज थैंक द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग यू हैव, बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या हो, आप तो मिट्टी हो, निकल जाओगे, बचेगा क्या आपकी सोल। तो इम्पॉर्टेंट है कि ऑलवेज से थैंक्स एंड नेवर शो ऑफ, नेवर बी इन ईगो, बिकॉज कुछ नहीं है, ये सब निकल जाएगा हाथ से। ये जो आपके पास आज है ना वो सब यही रह जाता है, आप सिर्फ निकल जाते हो ऊपर। तो बेटर है तो ऑलवेज बी हैप्पी कंटेंट इन व्हाट यू हैव, ऑलवेज से थैंक्स एंड ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ। तो आज का ज्ञान यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर। और जो साइन देख रहे हो आप, साइन जो ये आ रहा है इसका मतलब है कि टायर प्रेशर कम है। और अगर मैं आपको यहां दिखाऊं कि टायर प्रेशर कितना कम है, तो आप देखो तीन टायर्स में अपना हवा ही कम है और ये अभी तो गाड़ी चले जा रही है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी जाते हैं गाड़ी को थोड़ा सही कराते हैं, हवा डलवाते हैं एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये है रोडियो ड्राइव, ये है रोडियो ड्राइव एंड ये है एलिमेंट वन मॉल। ये दोनों ही उतना नहीं चल पाए, एलिमेंट वन में तो कुछ ही नहीं है, ओनली अब बीकानेर या सॉरी हल्दीराम एंड दो तीन चीजें हैं। रोडियो के अंदर सारे फूड आउटलेट्स होते हैं, टेक अवे, ऑल दोस क्यूएसआर्स हैं, बट उसके बगल में जो मार्केट है आर्केडिया, वो लोकल मार्केट है एंड काफी अच्छा चलता है। तो ये है ज्ञान की बात एक और, अभी चलते हैं हवा भराने के लिए। पहुंच गए जी अपने घर और अभी चलते हैं और देखते हैं क्या बना है आज ब्रेकफास्ट में। आ गए जी लिफ्ट के अंदर और चलते हैं अभी एंड देखते हैं आज क्या सीन है ऑन अ सैटरडे। ये देखो जी आज बड़े दिनों बाद गाड़ी अंदर से साफ हो रही है। नॉर्मली ये कभी मैं नहीं होता हूँ, कभी ये भाई साहब नहीं आ पाते हैं, लेकिन आज मैं भी था तो ये आए, चाबी लेके गए एंड अंदर से प्रॉपर इसने क्लीन किया है सारी चीज़ें। तो होपफुली अब गाड़ी अंदर से साफ रहेगी आज एंड पूरे हफ्ते। धूप काफ़ी अच्छी है आज, तो अभी निकलते हैं, दो तीन काम समझ आ गए हैं आज के वो करते हैं एंड बस दिखाते हैं आपको आज क्या क्या होता है।